अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है अयान। अगर आपका नाम अयान है या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है और आप उसका नाम अयान रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज हम अयान नाम के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक अयान की जानिब। अयान की उर्दू इमला में जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं वह है अलिफ, ये अलिफ और नून, जबकि इंग्लिश में इसके स्पेलिंग ए वाई ए एन या कुछ दोस्त ए वाई डबल ए एन के साथ भी इसके स्पेलिंग करते हैं। जिनसी तौर पर अयान नाम लड़कों के लिए मखसूस समझा जाता है। अयान नाम के साथ जो दीगर नाम मिलाकर रखे जाते हैं मोहम्मद अयान, अयान अहमद, अयान अली, अयान हैदर, अयान हुसैन, अयान रजा वगैरह। मजहबन ये एक मुस्लिम नेम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक अयान नाम का बेसिक रिलेशन अरेबिक लैंग्वेज से है। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक इसका लकी नंबर 7 यानी 7 को खुशकिस्मती का अदद समझा जाता है। इसके लिए लकी डे ट्यूसडे और थर्सडे यानी मंगल और जुमेरात को खुशकिस्मती के अयाम तसव्वर किया जाता है। खुशकिस्मती के कलर्स में सुर्ख और बनफशी कलर शामिल हैं। खुशकिस्मती का पत्थर रूबी है और खुशकिस्मती की धात तांबा और लोहा। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि इस्लामी नुक्ता नजर से इन चीजों में ऐसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक अयान नाम के मतलब की जानिब। तो अयान का मतलब होता है मुस्तकबिल। अगर आपका नाम अयान है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। और अगर आप अपने बेटे का नाम अयान रखना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक सालहे और फरमाबरदार बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।